स्पीकर हम किसानों के हम किसान के साथ नेक्स्ट स्पीकर इज रामदास अठावले। आज का दिन अपने देश के किसानों को न्याय देने वाला दिन है। आज का दिन है, दो बिल पास होने के बाद किसानों का उत्पादन दुप्पट नहीं तिप्पट भी हो सकता है और कृषि उत्पन्न बाजार समिति में उनका जो सामान है वो बेचने का उनको अधिकार ही है, लेकिन बाहर अगर उनको ज्यादा पैसा मिलता है तो बाहर की मंडी में भी उनको बेचने का अधिकार देने का ही बिल है। तो ये जो बिल है मतलब किसान का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, और दूसरा बिल है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। तो ये बिल का मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से समर्थन करता हूँ। किसान बिल के कारण आज देश में जिनका है ग्लैमर, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। ये काम इतना नहीं है आसान सर, माननीय नरेंद्र मोदी जी को करना है मजबूत किसान। कांग्रेस का और विरोधी दलों का हमें नहीं चाहिए ऐसा, किसान की तरफ सरकार का है पूरा ध्यान, क्योंकि हमें बढ़ानी है किसानों की शान। माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के ख्याल, किसान के विकास के लिए मोदी जी बढ़ा रहे हैं गति। विरोधी दल वालों क्यों कर रहे हो तुम राजनीति सर? टाइम तो मतलब 2 मिनट का ही है आपका, समय तो समाप्त हो चुका है, अब समाप्त कीजिए। किसान अगर फसल नहीं बोएगा तो फिर हम क्या खाएगा? जब किसान खेत में जाएगा, तो ही अनाज आपके लिए ले आएगा। कांग्रेस वालों इस बिल को, डरते हैं, इसलिए हम चुनाव में कांग्रेस वाले हारते हैं। हम तो किसानों के न्याय के लिए मरते हैं सर, हाँ। और किसान वाले जी, और आप समाप्त कीजिए, और नरेंद्र मोदी जी किसानों को हमेशा मदद करते हैं, तो ये मतलब धन्यवाद इम्पोर्टेंट है। और इस बिल के कारण किसानों का फायदा होने वाला है। यहाँ इस बिल पर राजकारण नहीं होना चाहिए, तो सभी लोगों का अगर सपोर्ट मिलता था तो हमको आनंद होता था, और तुम्हारा सपोर्ट नहीं मिलेगा। धन्यवाद बिल पास होने वाला है। धन्यवाद, मैं दूसरा स्पीकर बुलाता हूँ। धन्यवाद। देश भर में आंदोलन नहीं है, मतलब हरियाणा पंजाब कुछ यूपी में आंदोलन है, हमारे महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। इंडिया में नहीं है तो बहुत। नेक्स्ट स्पीकर इज सुशील कुमार गुप्ता।